हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग गाइज? मैं आज की जो वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, ये लेकर आई हूँ ग्रीन टी वैरायटी की। ये देखिए मेरे किचन में कितनी सारी वैरायटी है ग्रीन टी की, जो अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग ब्रांड और अलग अलग जगह से है। जगह मतलब कि कुछ ग्रीन टी इसमें है जो आउट ऑफ इंडिया की है और कुछ ग्रीन टी है जो इंडिया की ही है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वन बाई वन कि कौन सी चाय कैसी है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट टी है ये है ऑर्गेनिक टी तुलसी। और ये टी बैग का पैकेट है, आप देख रहे होंगे। और जो एक और डब्बा है वो टी बैग नहीं है, उसमें पाउडर है जैसे बनाना है। तो इसमें अलग अलग तुलसी का यूज़ किया हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रीजनेबल प्राइस है इसका और मैं इसको मेरी मदर इन लॉ और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पर डे तो हमें इसको पीना ही पीना है। इसके मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आते हैं, अगर मैं सारा बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जो है बेसिकली मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसको जब से मैं पी रही हूँ टेस्ट वाइज और बेनिफिट वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये है, सेम ब्रांड है लेकिन इसका पाउडर है, इसमें टी बैग नहीं है। जैसे अगर आप पाउडर डाल के बना रहे हैं तो आपको छान के पीना रहेगा, ये टी बैगिंग नहीं है। तो इसके दो डब्बे हैं मेरे पास में, एक और है ये देखिए। ये भी हम इतने ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये दो डब्बे हैं, एक ख़त्म हो चुका है, दूसरा चल रहा है, फिनिश होने वाला है और तीसरा अभी टी बैग रखा हुआ है पीते रहते हैं हम लोग। और ये मैं साइड में कर देती हूँ, आप दिखा देती हूँ डाबर वाला। ये देखिए डाबर का जो ये टी है मैंने पहली बार यूज़ किया था और इसमें 5 ही दिखाए हुए हैं और काफ़ी इम्यूनिटी पर इससे बेनिफिट्स मिलता है। मैंने इसको पिया है और काफ़ी स्ट्रांग भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं पीते हैं तो आप एक टी बैग में कम से कम 3 कप बनाना चाय के, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। लिप्टन में आ जाती हूँ। लिप्टन की मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ऑरेंज फ्लेवर था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको लेती हूँ क्योंकि जो एक डिफरेंट टेस्ट आ जाता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इंडिया से नहीं मंगाया है मैंने, आउट ऑफ इंडिया से मंगाया है, तो इसलिए मुझे बहुत इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ये अभी पैक है, एक खुला हुआ था। और ये तीसरा है जो अलग ही ब्रांड का है, चाइना है। इसके अंदर की मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से है, एक मिनट। ये देखिए इसके अंदर में इस तरीके से है, बहुत ही हल्के से लीव्स डाल के आपको ये चाय बनानी रहेगी। और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हाँ, ग्रीन टी का जो फ्लेवर है ग्रीन टी है वो अच्छा लगता है। मैंने इसको भी टेस्ट किया है। तो अभी इसमें इतना बाकी है क्योंकि मैं रेगुलर तो इसको नहीं पी सकती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये देखिए मैं अब अलग अलग फ्लेवर का ले आती हूँ, अलग अलग डिज़ाइन का। ये जितनी भी अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी अब आउट ऑफ इंडिया से चालू हो गई हैं। मेरे यहाँ भी आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो जब भी वहाँ से आते हैं तो ऐसे अलग अलग फ्लेवर टी मिलता है। तो फ्लेवर टी है या कोई भी न्यू लॉन्च हुआ है उसको लेके आते हैं। तो मुझे मेरे लिए या फिर यहाँ पर किसी को गिफ्ट देना है या फिर ये देखिए थोड़े थोड़े डब्बे डैमेज लग रहे होंगे लेकिन ये डैमेज नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है या फिर यूज नहीं है। वो क्या है, पैकिंग में लेके आते हैं इतने दूर से तो इनकी पैकिंग थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। ये देखिए अदरवाइज इनके अंदर में टी है और पूरा पैक है लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज हो जाता है ऐसे। तो इसलिए आप लोग माइंड मत करना कि ये ऐसा क्यों है। और मुझे इसका भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगा है और मैं पीती रहती हूँ। न्यू इसका लॉन्च हुआ था तो इसलिए मेरे हस्बैंड इसको लेकर आए थे। और ये भी देखिए, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इसके अलग अलग भी पैकेट है, मैं अभी जो नहीं ओपन किया है अभी उसका वीडियो दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने कितने सारे पैकेट्स खोल चुकी हूँ। तो ग्रीन टी मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ और ग्रीन टी मेरी मदर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा पीती है। मतलब पर डे हम लोग पीते ही हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि एक दिन में 10 कप, नहीं, पर डे हम 2-3 कप ऐसे पीते ही हैं दोनों के दोनों। तो हम दोनों को बहुत पसंद है। तो मैं अलग अलग, मुझे सबसे ज़्यादा क्या है कि जो अलग कुछ लॉन्च होता है, अलग फ्लेवर में कुछ लॉन्च होता है या कुछ न्यू आया है तो मुझे उसका, जैसे अभी ये है इसका ग्रीन एप्पल एंड पियर्स का, इसका रिव्यू बहुत सुपर आया है ये जो मैंने मंगाया है। और जो इस पर स्टिकर्स लगे हुए हैं उस पर मत जाना आप, क्योंकि ये यहाँ के नहीं, इंडिया के नहीं हैं, ये बाहर के हैं, तो इसलिए आप स्टिकर्स पे मत जाना। इंडियन रेट इसका क्या है मुझे नहीं पता है। और लेकिन जो इसका रिव्यू आया है, जिसको भी मैंने गिफ्ट किया है, जिसने भी इसको पिया है, उसने यही बोला है कि प्लीज़ मेरे लिए अगेन मंगवा देना, बहुत अच्छा टेस्ट लगा है इसका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। 20 टी बैग्स हैं इसके अंदर और सुपर भी इसका जो टेस्ट है, सुपर भी इसका जो मतलब एक फ्लेवर है, बहुत अच्छा लगा है। तो इसका रिव्यू फाइनली मुझे बहुत
बहुत अच्छा लगा है। और ये देखिए 5 फ्लेवर टी है इसके अंदर में, पूरा पैक्ड है। जैसे किसी को आपको गिफ्ट करना है या फिर अपने आप घर में ही पीना है तो इसमें 5 टेस्ट रहेंगे और बहुत अच्छे से पैकिंग है। ये डैमेज भी नहीं हुआ, इस तरीके से इसको पैक किया हुआ है। 40 टी बैग्स है इसमें, 10-10 करके अलग अलग फ्लेवर में इस तरीके से इसको पैक किया हुआ है। ये देखिए, अगर किसी को गिफ्ट करना है या आप किसी को देना चाह रहे हैं तो इसको अलग से पैक करने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से पैकिंग हो रखी है। तो ये देखिए, तो मुझे ये भी अच्छा लगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा क्योंकि एक ही टी पैक में अगर 4 फ्लेवर मिल जाए। और ये भी देखिए, ग्रीन टी विद जिंजर, ये भी फ्लेवर बहुत अच्छा है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा है। और आप लोग ज़रूर बताना आप इनमें से कौन सा टी आपने टेस्ट किया है और कौन सा आप करना चाह रहे हैं टेस्ट करना। मुझे इनमें से जो भी आपको बताना है वो बिल्कुल बताना। जो भी आप ग्रीन टी पीते हैं या आपके हैबिट में है या नहीं, बहुत से क्या है ग्रीन टी नहीं पीते, ऐसा बोलते हैं ग्रीन टी में कोई फ्लेवर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, या बहुत से बोलते हैं नहीं हम लोग ग्रीन टी रेगुलर लेते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग मेरी ये वीडियो इन्जॉय करिए और मेरे पास में अगर और इनसे अलग कुछ टी बैग्स के पैकेट आए तो मैं डेफिनेटली उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। और मेरे पास में ऐसे ही साबुन, शैम्पू, बहुत सारे मतलब ये हैं कलेक्शन है जो बहुत सारे, तो मैं कभी उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ टी पर बनाई है, ग्रीन टी पर। और जो ये इंडियन टी है इनको तो मैं रेगुलर पीती रहती हूँ। डाबर ये मुझे हनी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, जैसे हनी के साथ में फ्री आता है, तो मैंने इसका टेस्ट किया। अगर मैं आगे लेना चाहूँगी तो ले सकती हूँ, लेकिन बस डाबर के लिए इतना बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं पीते हैं तो एक टी बैग में आपको कम से हम 3 से 4 कप बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज 1 कप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना। और लिप्टन भी अच्छा लगा मुझे, नो डाउट अच्छा लगा है ये भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैं पीती हूँ, यूज़ करती हूँ, वो है ऑर्गेनिक टी, तुलसी टी। ये मुझे सुपर मस्त लगा है। अगर अभी तक आपने ग्रीन टी पीना शुरू नहीं किया, आप सोच रहे हैं कि मैं किस से ग्रीन टी पीना शुरू करूँ या चालू करना चाहूँ, तो प्लीज़ आप ऑर्गेनिक इंडिया टी से शुरू करना, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ऑसम इसका टेस्ट है, ऑसम इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो मेरी टी बैग्स आपको सारे कैसे लगे, टी पैकेट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं वेट करूँगी आप लोगों का। तब तक के लिए बाय बाय।